ओके, मैं फाइल में जाके यहाँ न्यू ले लेता हूँ और यहाँ से फुल कर लेते हैं इसको। ठीक है, हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। ठीक है, मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio डॉट h हैश इंक्लूड कॉन io डॉट h, और एक हेडर फाइल और ऐड करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग डॉट h, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट h। ठीक है, अब स्ट्रिंग डॉट h हम लोग लिखेंगे, क्यों लिखेंगे यहाँ पे, ताकि हम लोग अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस जो हमारे पास अवेलेबल है सारे के सारे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे void main, void main हमने लिखा, और लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं get ch, जैसे हमारी परंपरा होती है हर प्रोग्राम में लिखने की। और ये ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया, मेन फंक्शन लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले दो स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, str1, ठीक है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं देता हूँ 50, ठीक है, कॉमा str2, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 50। ठीक है, दो स्ट्रिंग मैंने ले लिया, और यहाँ क्लियर स्क्रीन कर लेंगे हम लोग। और सबसे पहले हम लोग इनपुट ले लेंगे, किस में इनपुट लेंगे हम लोग, str1 में हम लोग इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ, एक मैसेज प्रिंट करेंगे सबसे पहले, एंटर स्ट्रिंग 1। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग स्कैन एफ लगाएंगे, स्कैन एफ, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग क्या लगाएंगे, परसेंट इस टाइप के स्क्वायर ब्रैकेट पावर और स्लैश एन। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, कॉमा देके हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, एम परसेंट str1, और ये हमारा इनपुट ले लेगा। ठीक है, सेकेंड वैसे ही हम लोग सेम करते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एडिट में गया कॉपी, और यहाँ नीचे गया और शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे 1 की जगह हम लोग 2 कर लेते हैं, यहाँ पे भी str1 की जगह हम लोग 2 कर लेते हैं। तो दोनों हम लोग स्ट्रिंग में इनपुट ले चुके हैं। अब हम लोग क्या करना है, एक एक करके अपने फंक्शंस को अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, str cat फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो स्ट्रिंग में जो भी वैल्यूज होगी आपस में उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट प्रिंटर में अप्लाई कर रहा हूँ ताकि हम लोग इसका आउटपुट डायरेक्ट देख सके, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंट एस कॉमा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं परसेंट एस, और कॉमा देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, str cat, और मैं यहाँ पे जो इनपुट स्ट्रिंग लिखूंगा str1 कॉमा str2। तो str1 में जो भी स्ट्रिंग हम लोग इनपुट देंगे और str2 में जो हम लोग इनपुट देंगे, दोनों को मर्ज करके प्रिंट कर देगा, दोनों को वो मर्ज करके प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज भी डिस्प्ले कर देते हैं साथ में, स्ट्रिंग कॉन कैटिनेशन कॉनकैटिनेटेड स्ट्रिंग इज। ठीक है, परसेंट एस, इसकी जगह पे हम लोग का जो भी स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको सबसे पहले सेव कर लेता हूँ, स्ट्रिंग हैंडल str
एच एंड डी एंडिंग फंक्शन डॉट सी, ऐसा मैं दे दिया। और सबसे पहले इसको कर लेते हैं हम लोग कंपाइल, और जीरो एरर है, और हम लोग इसको कर देते हैं रन। ठीक है, एक एरर आ गया, अनडिफाइंड सिंबल स्ट्रिंग सी एस टी कहाँ पे है यार, ओके स्ट्रिंग कैट यहाँ पे हो गया था। ठीक है, कंपाइल करते हैं इसको और हम लोग कर देते हैं रन। ठीक है, स्ट्रिंग वन में डालता हूँ साई, स्ट्रिंग टू में अरे हमने इस प्रोग्राम में डायरेक्ट यहाँ पे अभी वैल्यू ले लिया है। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग इस स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेटेड का फंक्शन अप्लाई किए, एस टी आर सी ए टी हम लोग लिए, स्ट्रिंग वन यहाँ पास किए, स्ट्रिंग टू यहाँ पे पास किए, तो दोनों को आपस में क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा, मीन्स मर्ज कर देगा, जोड़ देगा, ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का आउटपुट देखने के लिए मिलेगा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग इज साइन कॉलेज। ठीक है, दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, अगर हमें स्पेस देना है तो हम इस स्ट्रिंग में क्या करेंगे, एक स्पेस दे देंगे। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, एक बार कंपाइल कर लेते हैं क्योंकि, और यहाँ हम लोग को स्पेस भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, एस टी आर एल ई एन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, एस टी आर एल ई एन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट कर लेते हैं स्ट्रिंग लेंथ, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रिटर्न्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल यहां बना लेते हैं, इंट इंट लेन, मैं एक लेन नाम का वेरिएबल बना रहा हूं, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लेन इक्वल टू एस टी आर एल ई एन। ठीक है, और किसका किसका हमें लेंथ चाहिए, मैं जैसे एस टी आर टू का निकालता हूँ। ठीक है, एस टी आर टू का मैं लेंथ निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एस टी आर टू को मैं पास कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये इंटीजर है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे परसेंट डी, परसेंट डी हम लोग लिख लिए, और यहाँ पे साथ में मैं लिख लेता हूँ कुछ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग is percent d। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे लेंथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम लोग को लेंथ कैलकुलेट करके मिल जाएगा। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ और रन कर देता हूँ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 7, हम लोग को यहाँ पे आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को स्लैश एन ऐड करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, तो हम लोग उसको एक बार स्लैश एन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग आउटपुट देख सकते हैं। सेव किया, इसको कंपाइल किया और रन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ गया और हम लोग को लेंथ जो है 7 मिल रही है। ठीक है, 7 कैरेक्टर से सी ओ एल एल ई जी ई, मीन्स हम लोग को यहाँ लेंथ मिला 7। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कंपेयर। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्ट्रिंग कंपेयर, एस टी आर सी एम पी। स्ट्रिंग कंपेयर से क्या होगा कि आस्की कैरेक्टर के हिसाब से दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, फर्स्ट अगर कैरेक्टर जो है वो मैच हो जाएगा तो आगे के कैरेक्टर्स को वो चेक करेगा, अगर फर्स्ट कैरेक्टर जो है अनमैच होगा तो हम लोग को कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली है, मीन्स वो अनमैच्ड होगा और हम लोग को वैल्यू मिलेगी -1। ठीक है, तो हम लोग एक बार यहाँ पे चेक करके देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हम लोग को मिल रही है।
तो यहाँ पे रिटर्न्स आस्की डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग किस किस पे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले मैं एक और वेरिएबल यहाँ बना लेता हूँ कॉमा देके, क्योंकि स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करता है, और यहाँ सी एम पी नाम से मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी एम पी इक्वल टू एस टी आर सी एम पी, फंक्शन है हमारा स्ट्रिंग कंपेयर, और यहाँ पे हम लोग किस किस को कंपेयर करेंगे, एस टी आर वन को कंपेयर कर रहे हैं और एस टी आर टू को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एस टी आर वन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और एस टी आर टू को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ये हम लोग को एक वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो वन देगा या तो माइनस वन देगा, ठीक है, और हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ से हम लोग यहाँ प्रिंट कर दिए, डबल कोट के अंदर हम लोग लिख लेंगे परसेंट डी, और यहाँ पे हम लोग आफ्टर कंपेरिजन, और यहाँ कॉमा देके मैं दे देता हूँ सी एम पी जो वेरिएबल है हमारा, मैं इसको सेव करता हूँ, एक बार हम लोग इसको कंपाइल कर लेते हैं और रन करते हैं, तो आफ्टर कंपेरिजन वैल्यू मिल रही है 16। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन निकाल रहा है ना, ओके, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई और स्ट्रिंग डालते हैं, लाइक मैं यहाँ पे डालता हूँ स्ट्रिंग एस टी आर वन की जगह हम लोग डबल कोट्स में डाल देते हैं साइन, ठीक है, फिर अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो हम लोग को इस टाइप का आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है, 32 का डिफरेंस है, तो हम लोग को यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट करके वो दिखा रहा है, ठीक है, जो भी अनमैच, यहाँ पे दोनों मैच किया है फिर भी यहाँ पर डिफरेंस दिखा रहा है, तो हम लोग दोनों एक बार सेम यहाँ पे डाल देते हैं और इसको सेव करते हैं, एक बार कंपाइल करते हैं, फिर एक बार रन कर देते हैं, ठीक है, तो आप दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम है, तो क्या कर रहा है वो ज़ीरो दिखा रहा है, लेकिन एस टी आर वन में भी तो सेम था, अच्छा एक स्पेस था यहाँ पे, क्या मैं स्पेस को हटा देता हूँ, इसको सेव करते हैं, फिर से एक बार यहाँ पे लिख देते हैं एस टी आर वन, एस टी आर ठीक है, सेव किए, कंपाइल किए और रन कर लिए, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, एस टी आर सी पी वाई, ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है, कॉपीज वन स्ट्रिंग टू अनदर, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एस टी आर सी पी वाई लिख लेंगे और इस टाइप का ब्रैकेट लगाएंगे, और हम लोग किसको कॉपी करना चाहते हैं, हम लोग स्ट्रिंग टू को कॉपी करना चाहते हैं स्ट्रिंग वन, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा एस टी आर वन, इसमें हम लोग किसको कॉपी करना चाहते हैं, एस टी आर टू की वैल्यू को, ठीक है, तो एस टी आर टू में क्या है, कॉलेज है, और कॉलेज किस में कॉपी हो जाएगा, एस टी आर वन में कॉपी जाएगा, ठीक है, मैं इसका लेंथ यहाँ 50 कर देता हूँ वापस से, ठीक है, तो अब एस टी आर वन और एस टी आर टू दोनों में क्या होगा, कॉलेज होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ठीक है, परसेंट डी सॉरी परसेंट एस, और यहाँ पे कॉमा देके एस टी आर वन हम लोग लिख लिए, ठीक है, एक और प्रिंट एफ में लिखता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग को दोनों वैल्यूज समझ में आ जाए, परसेंट एस कॉमा एस टी आर टू,
दोनों में वैल्यू हम लोग को यहाँ पे अभी सेम मिलेगी। ठीक है, मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ और एक बार इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉलेज कॉलेज हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, मैं वहाँ पे स्लैश एन वहाँ लिख लेते हैं तो और अच्छे से हम लोग को आउटपुट देखने मिलेगा। ठीक है, और यहाँ स्लैश एन करके हम लोग क्या कर लेते हैं, स्लैश एन स्ट्रिंग यहाँ पे str1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्लैश एन str2। ठीक है, तो इस प्रकार से str1 में जो है str2 की वैल्यू को कॉपी कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यूज किए स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। ठीक